जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। भारत ने एलओसी के पार जाकर आतंकी कैंप पर हमला बोला और उनके कई आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना का यह हमला पूरी तरह से सफल है और आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दरअसल सोमवार की देर रात भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तान सीमा में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंप पर हमला बोला और कई कैंपों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे के करीब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने पीओके के पार जाकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंपों पर हमला बोला। बताया जा रहा है कि यह हमला पूरी तरह से सफल हुआ। 12 मिराज विमानों ने करीब 100 किलो बम गिराए। आधिकारिक सूचना ने कहा कि जल्द ही इस ऑपरेशन की जानकारी एयरफोर्स देगा। कारगिल के समय भी वायुसेना का इस्तेमाल किया जाना था मगर उस वक्त नहीं हो सका था, लेकिन इस बार पहली बार वायुसेना ने एलओसी पार कर आतंकियों के कैंप को तबाह किया है।